मुझे भारत बहुत प्यारा लगा है, मेरा दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान भारत छोड़कर जाने को। इतना मिस करूंगा भारत को कि मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत भारत याद आएगा। तो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट वो ये सब कुछ बता रहा है, और उस बंदे ने एक जगह भी बदतरीफी नहीं की भारत की, एक जगह भी नहीं की। इवन पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमेशा हर वीडियो के अंदर भारत को ऊपर ही रखा है, ऊपर ही दिखाया है। बड़े वेन्यूज़ के ऊपर क्रिकेट खेली है, लेकिन जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का और जो क्रिकेट का क्रेज़ है ना, वो कमाल है। इंडिया के अंदर आप किसी टैक्सी वाले से बात कर लें, आप उधर किसी को रोक के पूछ लें, वो आपको ऐसे रिकॉर्ड्स बताएगा कि उस मैच में उसने इतनी एवरेज से बॉलिंग दी थी और इस मैच में इसने इस एवरेज से बॉल की है। मैं तो 2000 से मैं मैचेस कवर कर रहा हूँ, उस वक्त तो यहाँ पर टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बहुत सारी टीमें इधर आया करती थी। मैंने तो शुरू से लाठी चार्ज ही देखा है ग्राउंड के बाहर। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहां की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है लोगों का एटीट्यूड। असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। दहशतगर्दी बाहर से होती है, बाहर के ममालिक जो है वो पैसा देता है यहाँ, वो दहशतगर्दी करवा के फरार हो जाते हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोजगारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, खराब है। लेकिन 2012 के बाद जब मैं आप इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया। कराची में लोग ज्यादा इसलिए भी मैच देखने नहीं जाते कि वो पार्किंग ही बहुत दूर होती है, तो इंडिया की फैसिलिटेशन कैसी है, वहाँ पे क्या प्रोसेस है टिकटिंग का ये और अंदर ग्राउंड में दाखिल होने का? यार बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, स्कैन सिस्टम है वहाँ पे सारा, और स्कैन किए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, और इस हिसाब से उन्होंने सब कुछ बनाया होता है। यार मैं एक्सप्लेन, यानी हर चीज़ प्रॉपर है। नमस्कार दोस्तों, भारत में वर्ल्ड कप कवर करने आए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शब्बीर अब्बास अली जो बहुत फेमस हुए, उन्होंने भारत की लगभग 5 शहरों का एक्सप्लोर किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा और जाना भारत में क्या है और पाकिस्तान और भारत में क्या अंतर है। तो उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया और यहाँ पर जो स्थिति है वो उन्होंने वैसा क्या बतलाया वहाँ, चलिए देखते हैं वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के बाद में। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जो कि वर्ल्ड कप में वीजा मिलने पर बहुत बहुत खुशी से जाता है हिंदुस्तान जाकर वो एक एक चीज को तकरीबन एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जहां जहां वो जा सकता है, 5 स्टेट्स का उसने बताया है, वहां पर वो जाके सारा कुछ करता है, दिखाता है। और उसके बाद अब जब उसकी वापसी है तो उसने वापसी की एक वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे। उस बंदे ने कहा कि मुझे भारत बहुत प्यारा लगा है, मेरा दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान भारत छोड़कर जाने को, इतना मिस करूंगा भारत को कि मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत भारत याद आएगा। तो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट वो ये सब कुछ बता रहा है, और उस बंदे ने एक जगह भी बदतरीफी नहीं की भारत की, एक जगह भी नहीं की। इवन पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमेशा हर वीडियो के अंदर भारत को ऊपर ही रखा है, ऊपर ही दिखाया है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि अब आते हुए वो रो रहा है भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहता, ऐसा भारत में क्या है? भारत में सनातनी है, 82.7% सनातनी है भारत में। और मुझे अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टेटमेंट याद आ गया, जब उनसे बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पर ये पूछा गया था कि आप भारत को आप किस नजरों से देखते हैं और क्या मुसलमान भारत में सेफ हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत खुले लफ्जों में ये बात कही थी कि भारत के मुसलमान इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि इस भारत में 82.7% सनातनी है, इसलिए सुरक्षित है। भारत की मस्जिदें इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। भारत की मुसलमान महिलाएं इसलिए सुरक्षित हैं और सीना चौड़ा करके सर उठा करके जीती हैं क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी है। भारत के मदरसों से लेकर के भारत के हर मुस्लिम कौम 72 फरके इसलिए सर उठा करके जीते हैं क्योंकि यहाँ पर भारत में 82.7% सनातनी है। और ये सनातनी मानवता पर, प्रेम पर, एकता पर बिलीव करते हैं, इसलिए भारत इतना खूबसूरत है
और भारत की प्रशंसा, भारत की खूबसूरती की तारीफ सिर्फ आपके पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया इस भारत की तारीफ करती है, पूरी दुनिया। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। बड़े से बड़े लीडर को ले लो, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को ले लो, बड़े से बड़े कैमरामैन को ले लो, बड़े से बड़े प्रीचर को ले लो, बड़े से बड़े जियोपॉलिटिक लेवल के लोगों को ले लो, ब्यूरोक्रेट को ले लो, किसी को भी उठा लो, हर जगह आप देखोगे कि भारत की तारीफ होती है। क्योंकि भारत, ये 9 साल में बदलता हुआ भारत, ये 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सजाया हुआ भारत, ये 9 साल में सनातन धर्म को आगे दिखा करके, उनकी प्रथाओं को, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कार को दिखाता हुआ भारत आज इस पूरी दुनिया में इज्जत भरी निगाहों से देखा जा रहा है। क्योंकि ये भारत के सनातनी इस बात को हमेशा से मानते आए हैं कि उनका धर्म उन्हें मानवता सिखाता है, उनका धर्म उन्हें प्रेम सिखाता है, उनका धर्म उन्हें उन्हें एकता सिखाता है। और यही एकता की मिसाल आज आपके जर्नलिस्ट ने दे दिया। आपने, आपको पता उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जब मैं वहां गया, उसने एक, ये आपकी बात से बात है, उसने कहा जब मैं वहां गया तो मैंने हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा, जहां मुझे, मैं बताता था मैं पाकिस्तानी हूँ, वहां मुझे दिल से गले से लगाया जाता था, फोन निकालते थे और सेल्फी। ये मोहब्बत थी। देखिए आपके मेनस्ट्रीम मीडिया में तो ये अनम दिखाया नहीं गया होगा, बिल्कुल नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि आपका मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का वो नफरत के चूरन की दुकान ही खोल करके बैठता है। और जितनी भी वो फिजा टिजा जो भी है, हलवा पकाओ, मछली पकाओ, गोश्त पकाओ, वो जो करते रहती है, ये लोग कचरा खाकर आते हैं घर से, गू खाकर आते हैं, खुद ही हकते हैं, खुद ही खा लेते हैं, और उसके बाद फिर वही कैमरा के सामने वो उल्टी भी कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। दहशतगर्दी बाहर से होती है, बाहर के ममालिक जो है वो पैसा देता है यहाँ, वो दहशतगर्दी करवा के फरार हो जाते हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो मुल्क के हालात नहीं सही पाकिस्तान के। इंडिया के हालात अच्छे हैं, आपने कहा वहाँ पे अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया वीज़ा लगवा के धड़ाधड़ वर्ल्ड कप देखने जा रही है। जी बिल्कुल, इस तरह ही है, इंडिया में कोई दहशतगर्दी नहीं है, वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ की आवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है, वहाँ बेरोज़गारी नहीं है इतनी ज़्यादा जहाँ यहाँ पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है और महंगाई है। आपने इंडिया की इतनी अच्छी बात की कि उनके पॉलिसीज अच्छी हैं, ख्याल रखते हैं, पुरमन है, अगर वो इतनी अच्छी है तो हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते, हम अपने हालात क्यों नहीं बेहतर कर लेते? ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, हमारे हुक्मरान किस तरह के आते हैं, बाहर से इम्पोर्ट कर देते हैं, कभी अमेरिका के पीछे लगते हैं, जो भी निज़ाम चलता है वो बाहर का चलता है, अमेरिका हमारे ऊपर बैठा देता है, कभी इमरान खान को बैठा देता है, कभी नवाज शरीफ, अभी आया है पता नहीं, अब इसने मुल्क का बेड़ा फिर से दोबारा गर्क करने आया हुआ है, ये मुल्क का निज़ाम संभालने नहीं आया हुआ है, ये डील के तहत आया हुआ है, तो अब इसने डील करनी है। जो अभी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से? उनको पता है कि यह दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज़ कोई ना कोई वाकया होते रहते हैं, आजकल वो अफगानियों को निकाल रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ पे उस दिन यहाँ पे हुआ है सिक्योरिटी, हाँ अटैक हुआ है वहाँ पे, 14 से 15 जवान शहीद हुए हुए हैं, ये उन्हीं का काम है, अफगानियों का, वो अमेरिका ही इनको सपोर्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होता इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह। वहाँ पर उन्होंने, आपके जर्नलिस्ट ने दिखाया है कि वहाँ पर उसको बहुत प्यार मिला, ये उसने दिखाया नहीं, ये यही माहौल, यही सिनेरियो ही है हमारे भारत का, इसमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, या उसको जताने की जरूरत नहीं है, या उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, या उसको कैमरा में कोई एक अच्छी खूबसूरत लम्हे को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप उसके साथ, उस जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू कीजिएगा, तो वो कहेगा कि मेरे कैमरा का जो डेटा था वो खत्म हो गया, लेकिन मैं भारत की मोहब्बत को पूरा पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उठते बैठते खाते सोते जागते चलते फिरते आते जाते घूमते टहलते बात करते हर वक्त उसको मोहब्बत ही मिली होगी, क्योंकि हम यही हैं, हमारी रियलिटी यही है, हम प्रेम पर बहुत भरोसा करते हैं। दोस्तों, भारत किसी भी देश से आए लोगों का सम्मान करता है,
चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश, भारत का मतलब ही है अतिथि देवो भव। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ये कोई भारतीय नहीं बताएगा कि भारत कैसा है, डेवलप है या नहीं, हिंदू मुस्लिम कैसे एक साथ रहते हैं, क्या मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, क्या भारत में सुकून नहीं है, वो पाकिस्तान के लोग ही बताएंगे जो भारत में रहकर करीब से देखा। लेकिन पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना, उनको तो अपना मेनस्ट्रीम मीडिया देखना है जो हर दिन भारत के लिए जहर उगलते रहता है। भारत को बुरा बोलने से पहले पहले पाकिस्तानी जो भी आवाम है पहले कश्मीर आकर सॉरी भारत आकर देखें कि भारत में क्या है, शांति है या नहीं है, यहाँ लोग दंगा फसाद होता है, सिर्फ वहाँ पे माइक पे इंटरव्यू देने से नहीं होता है, रोज देखना है तो आकर देखिए, तब पता चलेगा भारत है कैसी, शक्ति क्या है। दोस्तों आपका क्या राय है आप वीडियो में कमेंट करके कह सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।